So friends, good morning once again in our lectures. So from today once again, hats off to lockdown, work from home. So again, I'll be publishing my lectures from home only. So no problem, I do have my board with me, whole my body is with me, okay, and I am with you. So don't worry about anything. So once again, I must be habitual with this small board, but I hope you will adjust it. I will adjust, no problem. Okay, so last lecture, I think we have studied about something called earth magnetism. In that we have studied many things, so I think it is better to have the big overview of that all. Okay, so I have told you, suppose this is my earth and this is my north geographic and this is my south geographic. I'll take a small recap over not more than 5 to 6 minutes, and all of you, we are knowing that this our earth itself behaves as a magnet, having south pole here and here north pole, and that is why we are getting our north magnetic here and south magnetic here. So this is a very important thing to note down. So what we have to learn is that the magnetic field lines will come in here and they will go out here. So अपन जैसा लेते हैं रेगुलरली अपना मैग्नेट के लिए, मैग्नेट के लिए क्या होता है, तो मैग्नेट के लिए मैंने ऐसा एक मैग्नेट पकड़ा नॉर्थ साउथ, तो द फील्ड लाइंस विल गो आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे विल कम टुगेदर एट द साउथ पोल. तो यहां पे भी सेम होता है, यहां पे अपना जो फील्ड लाइन है, ठीक से इसको ड्रॉ करता हूं मैं, अपना जो फील्ड लाइन है तो यहां से यहां आएगा, वो साउथ है ना, लेकिन अपना पोल जो रहेगा साउथ किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ को, तो पोल जो आएगा वो नॉर्थ मैग्नेटिक आएगा, वो मैंने आपको बताया था. अभी इसके बाद में, आफ्टर दिस, व्हाट वी वांट टू स्टडी इज अबाउट मेरिडियन, इक्वेटर, एवरीथिंग. So that also I have taught you. तो इसका फर्स्ट फटाफट रिकैप लेते हैं. ये जो होता है, ये लाइन, इसको बोलते हैं हम ज्योग्राफिक इक्वेटर. क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिक इक्वेटर. ये जो लाइन मैं निकल रहा हूं, ऑफ कोर्स इसको थोड़ा डॉटेड बनाता हूं. आप पूछोगे मेरे को, सर ये रिपीट क्यों कर रहे हो, रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को कंटिन्यूटी चाहिए. इसको बोलूंगा मैं ज्योग्राफिक इक्वेटर, और इसको अभी ये ज्योग्राफिक इक्वेटर कैसे है, नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ ज्योग्राफिक जो लाइन बना है वर्टिकल लाइन, उसको परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है. वैसे ही अपना एक बन जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर, ये भी बताया मैंने लास्ट लेक्चर में, तो ज्यादा इसके ऊपर मैं एम्फसाइज नहीं करता हूं. ये बन गया आपका मैग्नेटिक इक्वेटर. तो बेटा ये बन गया ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, और ये तो दो प्लेन बन गया है, मतलब ये एक प्लेन और ये दूसरा प्लेन. तो ये प्लेन बन गया ये, और ये जो बनाया मैंने ये बन गया दूसरा वाला प्लेन. ये दो प्लेन मिला के अपने दो इक्वेटर बन गए. तो इस प्लेन को, जो प्लेन परपेंडिकुलर रहेगा, तो उसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं बेटा, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं. तो बेटा ये बन गया आपका
मैग्नेटिक सॉरी ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो इसको मैं बोलता हूं ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये बनेगा अपना ज्योग्राफिक मेरिडियन। और सेकंड चीज, इसको जो अभी प्लेन परपेंडिकुलर रहेगा, थोड़ा सा ऐसे निकल सकता हूं उसको, ये बन जाएगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहां पे आपको ये मैंने क्यों निकाला है, आई हैव ड्रॉन दिस फिगर जस्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट एंगल ऑफ डिप एंड डेक्लिनेशन, एंड देन वी विल गो फॉर सम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। जैसे हम अपना कंपास नीडल का यूज करके अपना पोजिशन कहीं पे भी कर सकते हैं, कहां पे नॉर्थ पोल है, कहां पे जा सकते हैं, क्योंकि नेविगेशन के लिए इसका यूज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, ये टॉपिक यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पूरा नेविगेशन पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू डू दैट व्हाट वी आर डूइंग द थिंग, वी आर जस्ट डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पॉइंट एंड हाउ इट कैन बी यूजफुल फॉर अवर केस और हाउ वी आर यूजिंग दैट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो पहले वाला आएगा आपका ये जो आएगा इसके बीच में जो एंगल होता है, तो ये मैंने आपको बताया था ऐसे वाले जो दो वर्टिकल प्लेन रहेंगे, ये बन गया मेरा ज्योग्राफिक मेरिडियन, इसको बोल सकता हूँ मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, आपको शायद दिख रहा होगा, तो ये बन गया। और मैग्नेटिक मेरिडियन थोड़ा सा उसको टिल्ट करके करने के बाद ये बन जाएगा अपना मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको हटा देता हूँ तो ठीक से आपको समझ पाओगे। तो ये जो एंगल बन गया है इन दोनों के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था आपको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो अल्फा क्या बन गया मेरा, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आज मुझे इसके ऊपर ये सबके ऊपर प्रॉब्लम लेना है। तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन आपको आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी अपन को एंगल ऑफ डिप का पता करना है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था डिप कैसे ढूंढते हैं। तो यहां पे ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सपोज आई एम स्टैंडिंग, तो मेरे हाथ में ये पैड है, राइटिंग पैड, तो ये मतलब आपका सरफेस ऑफ अर्थ हुआ। तभी क्या होता है, अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप, अर्थ स्पेरिकल शेप में है, दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस, जो यहां से आपका फील्ड लाइन बन जाएगा वो ऐसे आएगा, मतलब यहां जो पार्ट है नजदीक पोल के नजदीक, वहां पे फील्ड लाइन ऐसे बनेगा, ये सरफेस छोड़ दो, वहां पे फील्ड लाइन ऐसे बनेगा। तो जो मेरा नीडल है डीप का नीडल, मैंने आपको बताया था वो इधर यहां पे अगर नॉर्थ पोल है तो ऐसा 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 दिखाएगा, तो एग्जैक्टली ऑन द नॉर्थ पोल वो ऐसे रहेगा, साउथ पोल पे अगर हम चले गए तो वो ऐसा रहेगा। तो मैं अगर इक्वेटर पे हूं एंड इफ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, तो जैसे जैसे मैं इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक जाऊंगा वैसे क्या हो जाएगा, ये मेरा टिल्ट बढ़ता जाएगा, और वो टिल्ट मेजर करते हैं, उस टिल्ट को ही बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, ये टिल्ट को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो अगर ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, इफ दिस इज माय हॉरिजॉन्टल, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, ये हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल से मेरे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने, मतलब ये नीडल है मेरा, इसको मैं नीडल बनाता हूं, ये नॉर्थ बोला ये साउथ बोला, तो मैग्नेटिक फील्ड ने, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने कितना एंगल किया है, उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप, उसको थीटा भी बोलते हैं और उसको ही डेल्टा भी बोल सकते हैं। तो हमने डिफाइन कैसे किया, एंगल ऑफ डिप द एंगल मेड बाय और एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. आर गेटिंग माई पॉइंट? तो ये ऐसा अगर मैंने डिरेक्शन दिया इसको, तो ये बन जाएगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये बन गया मेरा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल, इन दोनों ने बनाया हुआ एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग, देन वी विल श्योरली गो फॉर द अनदर इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द डिप नीडल. डिप नीडल का यूज हम करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला था, नेविगेशन पर्पज के लिए. तो वो नेविगेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मरीन जो होते हैं, मरीन इंजीनियरिंग वाले होते हैं, जो जहाज होते हैं, मर्चेंट नेवी वगैरह बोलते हैं ना, तो वो मर्चेंट जहाज होते हैं. नहीं तो नेवी के सब जहाजों के लिए दे आर इन द डीप नीड ऑफ फाइंडिंग द नेविगेशन. उस नेविगेशन के लिए उनको वो नीडल का यूज करते हैं. वो सब के लिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं. तो अभी हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द डिरेक्शन वेयर माय नॉर्थ पोल विल बी देयर, वेयर माय साउथ पोल, एग्जैक्ट डिरेक्शन. और वो डिरेक्शन का पता करके हम अपना नेविगेशन कर सकते हैं. सो इन द नेक्स्ट पॉइंट वी विल गो फॉर स्टडिंग द डिप नीडल एंड हाउ द डिप नीडल वर्क्स. So my next point will be about dip needle and how to find out the magnetic field and how to find out the not for magnetic field, most of the times how to find out the exact positions of north and south pole. So wait for a while. I hope those who have not understood, they may pause the video, go back and make the notes if you want. अगर आपको चाहिए तो फिर से वीडियो देख सकते हैं. इसके बाद हो जाएगा आपका उसको क्या बोलते हैं हम डिप नीडल. तो वी विल स्टार्ट विथ दैट डिप नीडल. तो ये इसके लिए मैं क्या आज मैंने क्या किया है, आई हैव गिवन यू लाइक दिस नोट्स. तो मैंने पूरा जो मैं सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, इसका सब मैंने नोटिंग बनाया शॉर्ट में. जो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा उसका सब मैंने नोटिंग यहाँ पे दिया है. जो कुछ प्रॉब्लम इसके बाद सॉल्व करने वाला हूं वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे मैंने आपको सब किया है, और इसका मैं स्कैन करके इसका आपको पीडीएफ भेज दूंगा. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिप नीडल से. ओके, सो वी कैन स्टार्ट विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ डिप. अपना आर्टिकल का नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ डिप. बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा हेल्प करो मुझे, हेल्प मतलब थोड़ा एडजस्ट करो. पहले तो मैं हैवी चलता बड़े वाले बोर्ड से स्कूल में करता था, अभी लॉकडाउन में देखते हैं कैसे क्या होता है. अगर टाइम मिले, टाइम मतलब अलाउ हो जाए तो देखेंगे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, नहीं तो घर से करेंगे. तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ डिप, आई होप यू आर गेटिंग इट अंडरस्टूड. ओके, तो अपना जो डिप नीडल है वो कैसे वर्क करता है. तो पहले क्या होता है, एक ऐसा लाइन बनाते हैं. ये बन गया हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो वो हॉरिजॉन्टल परफेक्टली अलाइन करने के लिए ऐसे उसको प्लेट लगाते हैं. क्या लगाते हैं? प्लेट लगाते हैं. और यहां पे आपका नीडल जो है उसको प्लेस करते हैं. सपोज ये उसका नॉर्थ पोल है, इसको मैं कलर कर देता हूं, इसको बोलता हूं नॉर्थ, इसको बोलता हूं साउथ. तभी अगर मैंने ये लाइन खींच दिया इसके बीचों बीच ऐसे वाला, तो ये बन जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो अपन को चाहिए. तो यहां पे मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ने हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ
कितना एंगल किया है इसका बता मुझे, यहाँ चलेगा। अगर मैं ऐसे लाइन कंप्लीटली खींच दूँ यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ओके, तो इसको बोल सकता हूं मैं डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर यहां पे है तो इसने इसके साथ कितना एंगल ट्रेस किया है, ये बन जाएगा मेरा डेल्टा और थीटा, कुछ भी बोल सकते हो आप। अभी अभी के लिए हम इसको डेल्टा ही बोलते हैं, क्योंकि आज मैंने मेरा पूरा कैलकुलेशन डेल्टा से किया है। और ये इधर ही ऐसा रहने के लिए इसको ऐसा क्लैंप करते हैं, और क्या बनाते हैं, अभी अपन को ये मेजर करना है, ये डेल्टा मेरे को कैसे मेजर करना पड़ेगा, तो वो मेजर करने के लिए बाहर से ऐसा एक मेजरिंग आर्क उसको मिलता है। मेजरिंग आर्क का मतलब क्या है, अगर यहां पे है तो यहां पे उसका जीरो बन जाएगा, और यहां पे है तो यहां पे उसका 90 बन जाएगा। तो अभी डिग्री में 0 to 90 डिग्री के बीच में वो अपना मेजरमेंट दिखाएगा, 0 to 90 डिग्री के बीच में इट विल शो इट्स मेजरमेंट हाउ वी आर गेटिंग द एंगल्स। तो डिप नीडल भी बोलते हैं उसको, डिप नीडल उसको क्या करते हैं हम, डिप नीडल को अलाइंड वर्टिकली, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, अलाइन वर्टिकली, अलाइन बोल सकते हैं, क्लैंप भी बोल सकते हैं उसको, अलाइन वर्टिकली दैट मींस इट कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। तो ये जो आपका डीप नीडल है वो क्या कर सकता है, वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकता है, इट कैन रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन। तो अगर सपोज मैं अभी इक्वेटर पे हूं, आई एम एग्जैक्टली ऑन द इक्वेटर यहां पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल, तो मेरा नीडल कैसे दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा, तो एंगल डेल्टा कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अगर उसी केस में मैं अगर पोल पे चला जाऊं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू नाइसली, तो यहां पे डीप नीडल कैसा दिखाएगा, नॉर्थ पोल है तो वो अपना पोजीशन नॉर्थ को दिखाएगा, तो अभी इसने कितना एंगल किया, डेल्टा बन गया पाई बाय टू। वैसे ही अगर उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए तो इधर भी वो डेल्टा आपका पाई बाय टू बन जाएगा, इतना सिंपल है। तो डीप नीडल इधर जीरो दिखाएगा, तो इसका मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ दिस, इफ यू आर ऑन द इक्वेटर then your deep needle will be exactly aligning parallel to the surface of the horizontal, whereas if you are on the pole, it may be north pole, it may be south pole, if you are on the pole, your deep needle will be aligning with 90 degree to the horizontal. Are you getting my point? Is that clear to you? It means that deep needle will always be along the direction of magnetic field of the earth. तो नॉर्थ पोल से वो चालू हो जाएगा ना, वो यहाँ पे वो फील्ड लाइंस मैंने दिखाया था ना वो, तो जैसे जैसे वो फील्ड लाइन जाएगा उसके मुताबिक फील्ड लाइन उल्टा जाएगा, इधर साउथ मैंने कंसिडर किया ना, इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो यहाँ पे मैंने नॉर्थ मैग्नेटिक बताया, तो ये साउथ नॉर्थ है, तो उसको देखते हुए अपना निडल है वो नॉर्थ को नॉर्थ को दिखाएगा, इसलिए उसको नॉर्थ बोला है। इसमें आप कंफ्यूज मत करो, अंदर वाला मैग्नेट अर्थ का यू डोंट टेक इट, डोंट कंसीडर इट, वो अपने हमने अपने लिए लिया है उसको, इन ऑर्डर टू स्टडी इट नाइसली वी हैव टेकन दैट। सो वेर एवर द पोल विल बी देयर, व्हिच एवर इज द पोल, अकॉर्डिंग टू दैट द डीप नीडल विल बी अलाइनिंग टुवर्ड्स दैट पोल। अगर नॉर्थ है तो अपना नॉर्थ इधर चला जाएगा, साउथ है तो उल्टा हो जाएगा, और बीचों बीच अगर कहीं पे भी करे, तो यहां पे अगर मैंने किया, यहां पे इस सरफेस पे किया, तो यहां से मैं ऊपर जा रहा हूं, तो यहां पे भी दिखाने के लिए यहां पे दिखा नहीं सकता मैं, यहां पे करके दिखाता हूं, ये अपना हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्या करेगा, अभी ये सरफेस है इक्वेटर के ऊपर,
ऊपर मतलब इक्वेटर के आगे नॉर्थ पोल तक जाने के, तो यहां पे अगर वहां पे मेरा नॉर्थ पोल है तो ये झुकेगा नॉर्थ पोल की तरफ, बिकॉज द फील्ड लाइन आके ऐसा चला जाएगा। तो यहां पे अगर दिखाना है मेरे को तो डीप नीडल मेरा मेरा ये जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया है वैसे दिखाएगा, और ये मेरा डेल्टा बन जाएगा। वहीं पे अगर साउथ पे है तो साउथ साउथ को ओरिएंट करेगा, तो यहाँ पे भी उसको ओरिएंटेशन उसका हम मेजर कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन गेट द ओरिएंटेशन। सो ये डेल्टा वो जो है ये हमने सीखा है टैन डेल्टा, सो वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, वो भी देखते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द डीप नीडल, एंड देन वी विल गो फॉर कैलकुलेटिंग एक्चुअली द व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। ओके सो फ्रेंड, लास्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एंगल ऑफ डीप एंड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एग्जैक्टली अबाउट द इंस्ट्रूमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डीप नीडल। उस पूरा पूरा इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं डीप सर्कल। डीप सर्कल मतलब मैंने जो आपको डीप नीडल का डायग्राम निकाल के दिखाया था उसी को हम बोलते हैं डीप सर्कल भी बोलते हैं। तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है उसका प्लेन स्केल, मतलब सपोज ये है मेरा डीप सर्कल, ऐसा रखा है उसको, तो मैं क्या करूंगा बेटा दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ आपको। लेट मी शो यू एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स। सो लेट लेट मी टेक सम टाइम, नॉट मोर टाइम, आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। 2 मिनट में करके दिखाता हूँ। ये हो गया, ये क्या बन गया बेटा, अपना आर्क बन गया। तो अभी इसको मैं ऐसे नाप ले सकता हूँ इसको, तो ये क्या बन गया मेरा, तो बेटा ये मेरा बन गया स्केल। तो इसके ऊपर मैं दिखा सकता हूँ आपको, निकाल के दिखाता हूँ। तो इसको अगर मैंने ऐसे पॉइंट आउट किया तो ये पूरा 90 में नहीं आएगा, थोड़ा उसका ये रखो, इट मे नॉट बी कमिंग इन 90 डिग्रीज, और परफेक्ट आर्क छोड़ दो उसको, इतना कुछ नहीं है। तो ऐसा इसको अगर मैंने किया, अरे मेरा कुछ भी एक भी पेन नहीं चल रहा है। मेनी टाइम मेनी मेनी डेज आई हैव नॉट मेड वीडियोस फ्रॉम होम ना, इट इज शोइंग मी। ओके तो बेटा ऐसे आएगा, दिखाता हूँ आपको। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बन गया मेरा स्केल। तो ये जो स्केल है ऐसा मेरा नीडल हो जाएगा, ये ग्रीन वाला इसको बोलो नीडल का नॉर्थ पोल, और ये व्हाइट वाला इसको बोलो नीडल का साउथ पोल। तो भी क्या बन जाएगा बेटा, जैसे जैसे मैं एक दूसरी दूसरी पोजीशंस को जाऊंगा तो ये मेरा इसका पोजीशन हिलता जाएगा। मैं अगर पोल पे जाऊं तो कैसा बनेगा, नॉर्थ पोल के ऐसा बनेगा, अगर साउथ पे जाओ तो ये उल्टा ऐसे जाएगा। तो ये ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, आइदर नॉर्थ या आइदर साउथ, ये पोल ने कितना एंगल बनाया है। ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, ये मैंने आपको बार बार करके बताया है, क्यों, जस्ट सो एज टू एक्सप्लेन यू हाउ दिस हैपेंस एग्जैक्टली। तो अभी क्या होता है बेटा, एकदम ये पार्ट तो पूरा उसको क्या बोलते हैं, एकदम पूरा मशक्कत का काम है आपको समझाना, मतलब बट स्टिल आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, क्योंकि जो डीप नीडल का जो सब है ये आपको करके दिखाना ही, दैट विल बी बेनिफिशियल। तो भी कैसे करते हैं दिखा तो आपको, ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो अभी मैंने यहाँ पे मेरा डीप नीडल का असेंबली लगाया आपके सामने। तो बेटा क्या हुआ, ये जो प्लेन है ना बेटा, ये प्लेन ये अभी कैसे है, अभी ये मेरे हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर टू माय हॉरिजॉन्टल, ऐसा पकड़ा है मैंने।
लेकिन ये जो प्लेन होता है, ये प्लेन हमको लेना पड़ता है, जो अपना, ठीक से सुन लो, जस्ट लिसन केयरफुली, ये जो प्लेन है इसको अपन को मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग लेना पड़ता है। ओके, प्लेन कहाँ पे जाना पड़ता है, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन पे रखना पड़ता है। मतलब क्या, दिखाता हूं। ठीक से देखो बेटा, ये अपना अर्थ है, तो यहां पे दिखाया मैंने मेरा नॉर्थ मैग्नेटिक एंड साउथ मैग्नेटिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज नॉर्थ मैग्नेटिक, दिस इज साउथ मैग्नेटिक। तो ये जो प्लेन बनेगा बेटा, ये बन गया मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन। नाउ ईच पार्ट ऑन द अर्थ मे नॉट बी कमिंग ऑन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ईच पार्ट ऑन द अर्थ मे नॉट बी कमिंग ऑन मैग्नेटिक मेरिडियन, फिर भी अपन को वो करना पड़ेगा। तो आपका जो डिप एंगल बनेगा, जो मैंने आपको दिखाया था, ये निडल कैसे मूव करेगा, वो डिप एंगल आपको दो पॉइंट पे मिलेगा। एक को बोलोगे आप ट्रू डिप, वन विल बी कॉल्ड एज ट्रू डिप। फर्स्ट विल बी योर, यहां पे लिखता हूं, ये आपको समझ गया अभी मैग्नेटिक मेरिडियन वगैरह कैसे आता है, ये आपको समझ गया। तो पहले आएगा आपका बेटा ट्रू डिप, पहले आएगा आपका ट्रू डिप, और दूसरा वाला आएगा आपका एपरेंट डिप। तो ट्रू डिप के लिए क्या करेंगे हम? ट्रू डिप के लिए ऐसे करेंगे कि आपका जो प्लेन है, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ द स्केल। इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ द स्केल। ये जो आपका प्लेन है स्केल का, ये अगर एग्जैक्टली मैग्नेटिक मेरिडियन में है, मतलब जो मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन आपको दिखाया था, अगर वो उसी में है, तो उसको उस टाइम जो मैंने एंगल लिया है हॉरिजॉन्टल से, ये क्या हो गया प्लेन ऑफ द स्केल, ये क्या हो गया मेरा स्केल हो गया। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, हाँ बेटा, सो ट्राई टू गेट इट इन दैट वे। और ये मेरा बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एंगल मेरा बन जाएगा, ये जो एंगल है ये मेरा डेल्टा बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप। तो ये डिप निकालते समय एक तो हो जाएगा ट्रू डिप, नहीं तो हो जाएगा अपरेंट डिप। तो ट्रू डिप कब आएगा? तो ट्रू डिप विल बी व्हेन योर प्लेन ऑफ द स्केल, व्हेन द प्लेन ऑफ द स्केल ऑफ डिप सर्कल, ये पूरा इसको सर्कल बोलेंगे, डिप सर्कल बोलेंगे, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में है, इफ द प्लेन ऑफ द स्केल इज इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक से देख लो उसको, इफ द प्लेन ऑफ द स्केल इज इन मैग्नेटिक मेरिडियन, देन एट दैट टाइम वॉट एवर इज द एंगल मेजर्ड बाय, मतलब एंगल बिटवीन द निडल एंड द हॉरिजॉन्टल,
is called as true tip. Is called as true tip. तो जो कुछ अभी अपना अर्थ पे, सपोज यू आर ऑन ऑन द सरफेस से हियर ओनली इन इंडिया से, सो नॉट नेसेसरीली इंडिया में मेरिडियन ऐसे ही होगा ना, अभी आपको समझेगा ठीक से. देखो नॉट नेसेसरीली इंडिया में ये ही मेरा मेरिडियन होगा, लेकिन मेरे लिए ये प्लेन ऑफ द सर्कल चेंज नहीं होगा बेटा. मेरे लिए मैं मेरा प्लेन हॉरिजॉन्टल से कैसे पकड़ूंगा, ऐसे ही पकड़ूंगा. तो इस केस में अगर अगर अभी इसका प्लेन कैसे है, ये ऐसा प्लेन है. तो इस केस में अगर मेरा मेरिडियन ऐसे है, मेरा मेरिडियन ऐसे है, तो क्या हो जाएगा बेटा, देयर विल बी सम एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ डीप सर्कल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. तो अभी यहां इस प्लेस पे मेरिडियन मेरे को मालूम नहीं ना कहां से जाता है. मैं मेरिडियन मैंने अर्थ के लिए मालूम है, तो अगर मैं अर्थ का ग्लोब निकालू तो उस ग्लोब के ऊपर इंडिया के लिए वो कैसे जाएगा, वो अपना लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड से पता करते हैं. तो ये बड़ा रिसर्च का सब्जेक्ट, रिसर्च मतलब ये बड़ा इंफॉर्मेशन का सब्जेक्ट है. तो अपना लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से मैग्नेटिक मेरिडियन कहां से तो जाता होगा ना बेटा, बीचों बीच में जितना मतलब अर्थ है तो बीच में 20 डिग्री समवेयर इफ इट इज मेकिंग देन इट विल बी गोइंग. सो देर आर सम रीजन्स वेयर फ्रॉम वेयर मैग्नेटिक मेरिडियन गोज, तो वहां उस रीजन के लिए क्या हो जाएगा, ये जो प्लेन है वो इन हो जाएगा. सो अगर प्लेन ऑफ द डीप सर्कल इज इन, सो अभी हम उसको डिफाइन करते हैं. ओके सो वन बाय वन वी विल ट्राई टू डिफाइन इट. तो पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज मीन बाय ट्रू डीप. सो डोंट वरी आई विल बी गिविंग यू द नोट्स ऑल्सो, पहले इसको देख के लो, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ट्राई टू गेट इट क्लियर, आफ्टरवर्ड्स आई विल हेल्प यू to come over the definition and all. So just note down this. So friends, first is true dip. तो मैंने आपको मैंने क्या बताया था, और true dip I have told you that angle made by, ठीक से देख लो इसको, एंगल मेड बाय डिप नीडल व्हेन द प्लेन ऑफ द स्केल ऑफ डिप सर्कल इज इन द मैग्नेटिक मेरिडियन. ये हम बात कर रहे थे. तो whenever the plane of scale of किसका, deep circle का, so whenever the plane of the scale of the deep circle, ये जो मैंने आपको scale दिखाया था, ये scale का plane जो होगा किसका, deep circle का, is in the magnetic meridian, अगर वो magnetic meridian है इन द और अलोंग द, देन वॉट एवर इज द एंगल मेड बाय द डिप नीडल इन दैट केस विथ द हॉरिजॉन्टल बताना पड़ेगा नीडल विथ हॉरिजॉन्टल. तो ये अगर प्लेन स्केल का सपोज समझो ये मैग्नेटिक मेरिडियन में है, सो एट दैट टाइम दिस एंगल डेल्टा इज कॉल्ड एज ट्रू डीप. तो इट इज द एंगल मेड बाय द प्लेन ऑफ द डीप सर्कल
sorry, angle made by dip needle with the horizontal when the plane of the dip circle is in magnetic meridian. डेफिनेशन का चिंता करने का जरूरत नहीं है, आपको समझ के लेना है. तो उस टाइम हम ले लेंगे ट्रू डिप, और ट्रू डिप क्या बन जाएगा मेरा, ट्रू डिप विल बी माय डेल्टा. नाउ सपोज अपेरेंट डिप का मतलब क्या होता है वो आपको पढ़ा देता हूं. अपेरेंट डिप, तो अपेरेंट डिप में क्या होगा, यही ये प्लेन है किसका, स्केल ऑफ द डिप सर्कल, ये अभी मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रहेगा. तो वो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से जो कुछ एंगल करेगा, जो कुछ एंगल करेगा उसके हिसाब से आपको टिप का एंगल मिलेगा, वो आपको डेल्टा नहीं मिलेगा, उसको बोलेंगे हम अपेरेंट डिप. सो एंगल मेड बाय, सेम करेंगे, इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करता मैं, डिप नीडल इससे विथ हॉरिजॉन्टल व्हेन प्लेन ऑफ स्केल ऑफ डीप सर्कल इज मेकिंग एंगल विथ मैग्नेटिक मेरिडियन. सो यू मे नोट डाउन दैट. सो दैट वॉज अबाउट द मैग्नेटिक, सो ट्रू डीप एंड मैग्नेटिक डिप, ये भी मैंने आपको यहाँ पे सब बता के रखा है. अभी ये जो फॉर्मूला है, क्या कौन सा फॉर्मूला है वो आपको मैं बताता हूं. तो ये फॉर्मूला निकालने के लिए जो मैंने अभी आपको पीडीएफ में दिया है, तो टैन डेल्टा, तभी टैन डेल्टा कैसे निकालते हैं, टैन डेल्टा तो आपका ये देखो, इसको B बोला मैं, इसको BH बोला और इसको BV बोला. तो BH क्या बन जाएगा, B cos, इसको बोलूंगा डेल्टा. BV बनेगा P sin डेल्टा. तो अभी इस tan डेल्टा कैसा बनेगा, तो मेरा BV upon BH, तो मेरा tan डेल्टा क्या बन गया. तो मैं क्या करता हूं, ये ऊपर वाले इसको हटा देता हूं. तो ट्रू डिप आपको समझ गया, ट्रू डिप को क्या बोलेंगे हम, डेल्टा बोलेंगे, और अपेरेंट डिप को हम डेल्टा डैश बोलेंगे. तो डेल्टा डैश कैसे निकालते हैं ये मैं आपका वही अभी सिखा रहा हूं. ओके, सो इस केस में अभी मेरा tan डेल्टा ये बन गया, दिस इज फॉर ट्रू डिप, बीवी अपॉन बीएच. लेकिन अभी क्या हो जाएगा, इसी डायग्राम में आपको मैं बता देता हूं कि अभी मैग्नेटिक मेरिडियन से टिल्ट किया है, तो अभी ये बीएच ना होते हुए इट विल मेक सम एंगल विद दैट बीएच. तो BH को क्या लेना होगा आपको, ये नहीं समझ के लिया तो भी चलेगा, खाली फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो आपको याद में रखना पड़ेगा. वो लिखने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा, tan डेल्टा डैश, सेम लिखने का, BV अपॉन BH डैश. तो ये BH कैसे बनेगा, एंगल कितना बनाया है, सपोज अल्फा एंगल बनाया है, तो आप कैसे लिखोगे, BV अपॉन बी एच कॉस अल्फा, बी वी अपॉन बी एच कॉस अल्फा, इतना ध्यान में रखना है. तो टेन डेल्टा कैसे बनेगा, बी वी अपॉन बी एच डैश, सॉरी टेन डेल्टा डैश, बी वी
अपॉन बी एच डैश, इसमें मेरा बी एच डैश कैसे आएगा, वो आएगा बी एच कॉस अल्फा, ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं क्या करता हूं, इसको सेपरेटली लिख लेता हूं, बी वी अपॉन पी एच लिख लेता हूं इसको, चला ओके, और इसको बोलता हूं वन बाय कॉस अल्फा। तो मेरा टैन डेल्टा डैश कितना बन गया बेटा, टैन डेल्टा डैश बन गया बी वी अपॉन बी एच, क्या है मेरा बी वी अपॉन बी एच मेरा टैन डेल्टा है। तो आई विल गेट नाउ द रिलेशन बिटवीन टैन डेल्टा एंड टैन डेल्टा डैश, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये रिलेशन बनाते हैं, टैन डेल्टा डैश कितना बन गया, बीवी अपॉन बी एच को मैंने क्या बोल दिया, बीवी अपॉन बी एच को मैंने बोला टैन डेल्टा। सो ये बन जाएगा टैन डेल्टा इंटू वन बाय कॉस अल्फा। तो अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो टैन डेल्टा अपॉन कॉस अल्फा। तो लास्टली मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 100% आता है कॉम्पिटेटिव में, बोर्ड में भी पूछते हैं इसको सवाल, टैन डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू टैन डेल्टा अपॉन कॉस अल्फा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे मेरा डेल्टा डैश क्या बनेगा, अपरेंट डिप, डेल्टा क्या बनेगा, ट्रू डिप, और अल्फा क्या बनेगा, एंगल मेड बाय किसने, प्लेन ऑफ स्केल ऑफ डिप सर्कल विथ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगर ये आपको याद है तो आप कौन सा भी अपरेंट डिप का एंगल, नहीं तो अपना ओरिजिनल डिप का एंगल, तो ये तीनों में से आपको दो नॉन क्वांटिटी दिए जाएंगे और एक अननोन दिया जाएगा, और वो अननोन आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो इन दिस वे द प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड रिगार्डिंग टू द एंगल ऑफ डिप, ट्रू डिप एंड अपेरेंट डिप। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, आज मैंने स्टार्टिंग से जो सिखाया है, जस्ट प्लीज गो थ्रू दैट एंड ट्राई टू गेट द रिकनसाइल्ड इंफॉर्मेशन, कंसाइल करो, रिकनसाइल करो उसको, एक 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 प्रॉपर वे में उसको कनेक्ट करके आप रेडी रहो। टुमारो लेक्चर, इन द टुमारोज लेक्चर आई विल कम विद द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू टैन डेल्टा, ऑफ कोर्स ऑल्सो टैन डेल्टा डैश, तो इसमें से मैंने आपको देने के लिए प्रॉब्लम निकाल के रखा है। सो टुमारो आई विल बी कमिंग विद दोज प्रॉब्लम्स। अभी इसके बाद क्या करते हैं, इसको आपको नोट डाउन करो आप, इसके बाद हम आपका जो मेजर टेस्ट है एमटी 5th of July उसके लिए मैंने आपको जो एक्स्ट्रा शीट और 28 जून का शीट दिया है, वो शीट हम आज से सॉल्व करना चालू करेंगे। टुडे इज द आई थिंक थर्सडे, सो टुडे वी विल सॉल्व थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तीन दिन में हम वो शीट जितना हो सके उतना आपको मैं बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो थोड़े थोड़े प्रॉब्लम मैं आपको व्हाट्सएप पे भी डालूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज, कीप वॉचिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो पहले इसको नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करके, इसके बाद हम सीखेंगे, इसके बाद हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर